दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हेल्गे ओवल क्रिस चर्च के पिच रिपोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग क्रिस चर्च की। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को लगेगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो है वो थर्ड जो ODI मैच है वो होने वाला है। तो किस तरीके से हो सकता है, कैसे हो सकता है और यहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या कहता है, कितना रन बन सकता है, क्या क्या चांसेस रहता है बैट्समैन चलने का, बॉलर चलने का और आप जो है इसका किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि बहुत इसी तरीके से आप जो है प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। और साथ में आप कॉल फ्री सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है वो जो है आप शुरुआत कर सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप देखोगे यह स्टेडियम जो है काफ़ी पुराना स्टेडियम है। कैपेसिटी जो है 20,000 के आसपास है और मल्टीपर्पज़ जो है स्टेडियम देखने को मिलेगा। और लोकेशन हम बात कर रहे थे क्रिस चर्च न्यूजीलैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। होम ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये जो है कंटरबेरी, आपने जो है वो सुपर समर्स का मैचेज देखे होंगे उसमें जो है वो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर मैचेज हो सकता है, कैसे जो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो है एक बैटिंग फेवरेबल जो है वो ग्राउंड देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा फ्लैट पिचेज है, स्मॉल बाउंड्री है, जिसके चलते जो है बैट्समैन को बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एक मौका जो है वो मिलता है एक अच्छा रन स्कोर करने का। उसके अलावा आप देखोगे तो इस ग्राउंड पे अगर ऑन द फेवर देखा जाए तो 300 रन स्कोर हो सकता है और 300 रन जो है बहुत ही आसानी से चेस भी हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो इस ग्राउंड पे अगर बोलते हैं इस ग्राउंड को जो है वो जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है जो फॉरेन प्लेयर है उनके लिए, क्योंकि ग्राउंड का जो शेप है वो आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो है शेप आपको दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे जो है पीच है तो आप देखोगे कि आप इस अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ पर जो है बाउंड्री बड़ा हो सकता है, कहाँ पर छोटा हो सकता है। कभी जो है बाउंड्री इस साइड पर आपको जो है छोटा दिखाई देगा, इस साइड पर कभी कभी जो है बड़ा हो जाता है बाउंड्री और इधर भी जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, पीछे की तरफ बड़ा हो जाता है। और उसके बाद से ये वाला जो एरिया होता है इसमें छोटा बाउंड्री होता है और उसके अलावा जो है जो थोड़ा सा इस वाला साइड पर एरिया पाता है वो छोटा बाउंड्री होता है और ऐसे जो है वो थोड़ा सा बड़ा सा बाउंड्री हो जाता है। तो इस रेट में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डोमेस्टिक मैचों में जो है किस तरह से यहाँ पे जो है इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखोगे डोमेस्टिक मैचों में जो है यहाँ पे जो फास्ट बॉलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल होते हैं। डोमेस्टिक मैचों में जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल होते हैं। इवन इंटरनेशनल मैचों में भी आप देखोगे तो जो बैट्समैन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल जो है यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं। ऐसा नहीं कि स्पिनर को जो है विकेट नहीं मिलता है, स्पिनर को भी मिलता है, लेकिन स्पिनर के लिए जैसे मैंने बताया कि स्पिनर को जो है बहुत ही सोच समझ के बॉलिंग करना पड़ता है कि वो जो है किसके लिए बॉल फेंक रहा है, इस एरिया के लिए या फिर इस एरिया के लिए। अगर इस एरिया के लिए फेंक रहा है तो रन ज़्यादा पड़ जाते हैं और अगर इस एरिया के लिए बॉल फेंक रहा है तो जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर विकेट छटका सकता है। एवरेज स्कोर आप देखोगे तो 262 है जो कि न्यूजीलैंड के बाकी ग्राउंड है उनके कंपेयर में एक अच्छा सा जो है एवरेज है। आप हाईएस्ट देखोगे यहाँ पे तो 341 रन बनाया है जो कि बनाया था स्कॉटलैंड ने। आप इसे समझ सकते हो कि बैटिंग के लिए कितना जो है वो अच्छा स्कोरिंग हो सकता है यहाँ पे। और लोवेस्ट जो है वो एक है 121 रन जो कि बनाया था वेस्ट इंडीज ने। इसके अलावा ODI की अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो अब अभी तक जो हमने ये डिस्कस किया तो देखो बैट्समैन जो है काफ़ी इफेक्टफुल यहाँ पर हो सकता है। बॉलर की भी हम लोग बात करते हैं तो बॉलर में जो है फास्ट आपको लेके चलना है, फास्ट बॉलर जो है और जो मीडियम फास्ट है वो यूज़फुल हो सकता है। स्पिनर के लिए भी जो है जो यहाँ से एक्सपीरियंस स्पिनर है वो जो है फ़ायदा उठा सकता है। और अगर हम बैट्समैन की बात करते हैं तो बैट्समैन जो है वो इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा इफेक्टफुल हो जाता है। तो आपको कौन से बैट्समैन पिक करना है जो कि काफ़ी अच्छा फॉर्म में है, पिछले 4-5 मैचों में काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, आप उसको यहाँ पर पिक करके चल सकते हो। अब हम एक बार स्टेट्स देख लेते हैं। तो स्टेट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो 15 मैच हुए हैं उनमें फर्स्ट बैट जो है वो 8 जीता है, सेकंड बैट जो है 7 जीता है और फर्स्ट बैट एवरेज आप देखोगे 262 है जो कि बहुत ही अच्छा जो है एवरेज आप कह के चल सकते हो। अगर एवरेज जो है वो 260 के आसपास है तो रन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 300 के आसपास जो है वो रन देख सकते हो। थोड़ा सा शुरुआत जो है किसी भी टीम का अच्छा मिलता है तो और बीच में एक दो पार्टनरशिप लग जाता है तो आप 300 प्लस रन देखोगे, 320-325 रन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। और हाईएस्ट रन आप देखोगे तो यहाँ पे 341 है जो कि स्कॉटलैंड ने बनाया था और लोएस्ट देखोगे तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का है, सॉरी वेस्ट इंडीज़ का है 121 रन। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो आप देखोगे तो देखो 300 से ऊपर जो है 6 स्कोर है और बाकी एरिया में जो है आपको 3-3 स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये बताता है कि बहुत ही अच्छा जो है स्कोरिंग ग्राउंड है जहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो स्कोर हो जाता है। और इवन आप 250 से ऊपर देखोगे तो आपको 9 स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये सीनरियो है कि यहाँ पे जो है स्कोर एबव की तरफ जो है वो रहता है, यानी कि जो ऊपर के सीनरियो है उसमें जो है आपको रन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी तक अब जो है मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है सेशन एंट्री प्रॉफिट में जो है वो प्रॉफिट बना सको, चाहे वो T10 मैचेज हो या फिर जो ODI मैचेज चल रहे हैं उनमें हो या फिर इसके बाद जो है लंका प्रीमियर जो है वो शुरू होने वाला है जल्द ही, उसके बाद आपको VBL शुरू होने वाला है। तो इन सब में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट उठाना चाहते हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है और साथ में आप कॉल पर डिस्कस करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। तो अब सब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।